3, 2, 1, bam! गुड मॉर्निंग, सुबह के हो चुके हैं 9:30 और हम जा रहे हैं आज वोट डालने। तो देखते हैं यहाँ पे कैसा क्या एक्सपीरियंस है। वैसे हमें पता नहीं कि यहाँ पे कौन सी पार्टी खड़ी है और कौन कैंडिडेट है, बस जा रहे हैं एज एक्सपीरियंस लेने। तो आपको भी दिखाते हैं क्या सिस्टम है, क्या नहीं यहाँ पे है। तो भाइयों, मैं आपको एक बता देता हूँ, इस वीडियो में एक ज्ञान ग्रंथ दिया है, अभी 9:30 नहीं 9 है। थैंक। तो आज का मौसम बड़ा ही अच्छा है, बादल भी हैं, थोड़े धूप वगैरह भी निकली हुई है। तो यहाँ पे अपने इंडिया जैसा माहौल नहीं है कि आपको साफ पता चल जाए कि कौन कैंडिडेट है। यहाँ पे जिस हिसाब से अपना इंडिया में जलवा होता है इलेक्शन के टाइम में, यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। मतलब एक आधे कैंडिडेट आए थे हमारे घर पे भी और खाली पैम्पलेट डाल के चले जाते हैं, ये भी नहीं पता कि कौन है, कौन सी पार्टी से, क्या नाम है। तो बस ऐसे जा रहे हैं और वोट डाल के आ जाएंगे। जिसको भी गया, हमें नहीं पता किसको गया। तू किसको देगा? आदित्यनाथ योगी। हिंदी बार योगी सरकार बजरंग दल को लेके आएंगे। यहाँ भी अगर योगी सरकार आ जाए तो मजा आ जाए। नहीं, क्या बोलता, बात करूँ? मेरा फूफा लाग रहा है। तो जो पोलिंग बूथ है वो हमारी अगली गली में, ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए हम पैदल ही जा रहे हैं। 3-4 मिनट का रास्ता है। पहले तो हमें पता ही नहीं था, फिर हमने गूगल पे चेक करा तो पता लगा कि भाई ये तो अगली गली में हो रहा है। तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं क्या सीन है क्या नहीं है। वैसे हम यहाँ के सिटीजन्स नहीं है, लेकिन हमें वोटिंग राइट्स भी हैं। तो देखते हैं किसके पाले में हमारा वोट जाता है, हमें नहीं पता। तो भाई लोगों, ये है पोलिंग स्टेशन और देख लो कितना जलवा यहाँ पे। और जबकि काउंसिल के मेयर के इलेक्शन है, बहुत बड़ी पोस्ट होती है यहाँ पे, और दो लोग खड़े। तो ये यहाँ का माहौल है, दूर दूर तक कोई नहीं है। तो फिर इंडिया में सरपंच के भी चुनाव होते हैं तो इतना भोकाल मचा देते हैं, हर जगह इलेक्शन, गाड़ियाँ, पर्चे, पैसे, दारू पार्टी भी खड़ी है, दारू पार्टी, ये तो हमेशा खड़ी रहती है लोगों की। हाँ, तो गाड़ियाँ तो खड़ी है गजब का, लेकिन यहाँ पे कोई बंदा नहीं दिख रहा। अब अंदर जाते हैं, अगर सूट करने दिया तो कर लेंगे, नहीं तो बाहर आके बताते हैं क्या सीन है। चलो जाते हैं अभी। लोगों, हमारा वोट पड़ चुका है, कोई उंगली पे कुछ वगैरह निशान नहीं है और कच्ची पेंसिल से अंदर वो कर रहे हैं। हमने झलक तो दिखा देंगे, छोटी सी झलक आपको दिखा दूंगा मैं, अंदर कैसा क्या सिस्टम है। कुछ नहीं है, नील बट्टे सन्नाटा। अपने इंडिया में जैसा भोपाल होता है, जो जलवा होता है इलेक्शन में, वो यहाँ पे नहीं है। और फिर उसने मेरे को नोटिस कर लिया, जो अभी पोलिंग के अंदर वो कल रख थी, तो बोली वीडियो अलाउ नहीं है, इलीगल है। लेकिन छोटी सी झलक आपको ज़रूर दिखाऊंगा अंदर की भी। और वोट पड़ चुका है, हम डाल चुके हैं, कोई मज़े वाली बात नहीं है यहाँ पे। जैसा इंडिया में माहौल है और नॉर्मल सी चीज़ थी और कुछ नहीं है। तो भाई लोगों, यहाँ पे भी बैलेट पेपर था, उसके अंदर मतलब कैंडिडेट का नाम, कौन सी पार्टी से वो है और कहाँ पे वो रहता है, सारे एड्रेस वगैरह होते हैं उसके अंदर। इंडिया में जैसे इलेक्ट्रॉनिक होता ना, बटन दबा के, वो वाला सिस्टम नहीं था। मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रॉड हो सकता है, और वो भी कच्ची पेंसिल से, यानी कि ये भी नहीं कोई से मिटा के दूसरे पे डाल देंगे पर्चा। तो मतलब ये इस तरीके से वोटिंग करवा रहे हैं जैसे आप 20-30 साल पहले हैं। इंडिया में तो काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो चुका है, मतलब एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी, लेकिन यहाँ पे आज भी वही पेपर पेंसिल से काम हो रहा है। मतलब आप चेंज भी कर सकते हो बाद के अंदर, कुछ मतलब इतना स्ट्रिक्ट लगा नहीं कुछ खास। तो भाई लोगों, बस इतना ही था इस वीडियो में। मैं तो सोच रहा था कुछ ज़बरदस्त चीज़ मिलेगी आपको दिखाने के लिए, लेकिन कुछ खास मिला नहीं, कोई भीड़ नहीं, कोई माहौल नहीं, कुछ नहीं। तो बस आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मजाक हो गया हमारे साथ, सब्सक्राइब करें। इनको वोट चाहिए, ये इलेक्शन के टाइम में भी सड़क साफ नहीं कर पाए। हट, दे से कुछ।